तो आज हम आपको दिखाने वाले खड़खड़ाहट वाली चाउमीन। ऐसा यूनिक स्टाइल आपने पूरी इंडिया में नहीं देखा होगा और हमारी वीडियो के माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगा। तो आओ यार देखते हैं हमारे मेहरा जी की खड़खड़ाहट वाली चाउमीन और ये कैसे बनाते हैं अपने यूनिक स्टाइल के साथ, इसको भी देखते हैं। भैया आपको कितना समय हो गया ये बनाते हुए? ये हो गया भैया 2006 से काम स्टार्ट कर रखा, पहले मैं जॉब करता था। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमने धीरे धीरे ये काम शुरू किया। सेंटा हॉस्पिटल के पास थे हम पहले, 2006 में खोला था फरवरी में हमने। अच्छा। उसके बाद हमने फिर वो कॉम्प्लेक्स बना, फिर हमने वहाँ भाई साहब करे थे, मैंने यहाँ किया अपना, मैंने अपना कारोबार अलग किया, भाई साहब का कारोबार अलग। अच्छा, आपका जो यूनिक स्टाइल है जिस टाइप से आप बनाते हो इसके लोग फैन, मतलब कैसे आपने आइडिया आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए कुछ? इससे जो है चाउमीन अच्छी फ्राई हो जाती है। अच्छा, मतलब उसको पूरी अच्छी तरीके से खड़खड़ाने से पूरी अच्छी तरह फिनिश हो गया, फर्स्ट क्लास बन जाती है वो, बढ़िया करके टेस्टी बनती है उससे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी चाउमीन हमारे पास आ चुकी है। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये खाली दिखाने के लिए खड़खड़ा रहे हैं अपनी कढ़ाई को, ऐसा नहीं है, ये इनका स्टाइल है, बात सही है, लेकिन उस खड़खड़ाने के वजह से ही मसाले अच्छे से मिक्स हो पा रहे हैं इसके अंदर, है कि नहीं? एक्चुअल टेस्ट जो है वो उनके उसी स्टाइल की वजह से आ रहा है इसमें, है ना। अब मैं चाउमीन खाता हूँ और आपको एक्चुअल टेस्ट बताता हूँ, आइए। और एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया, ये मात्र 20 रुपये की चाउमीन है, 20 रुपये में फुल से ज़्यादा दे रखी इन्होंने, बताइए। काफ़ी गर्म है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, मिर्ची एकदम मीडियम है, जितनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एकदम इक्वल है। अच्छे खासे रेस्टो फेल हो जाएगा इसके सामने, इतना बढ़िया टेस्ट है भाई साहब। देखिए जैसे कि मैं चाउमीन खा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पर मसाला ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, मतलब एकदम इक्वल है, इसके हर एक पार्ट में मसाला इक्वल है, चाहे आगे वाला सिरा खाऊं मैं इसका या पीछे वाला, मसाला एकदम इक्वल है हर जगह। और बहुत सॉफ्ट है, कैसे जली नहीं है, है ना, और मसाले एक तरीके से मैं कह सकता हूँ अच्छे तरीके से मिक्स हो रखे हैं, कितनी कमाल की बात है ये। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वो ऐसा क्यों खड़खड़ाते हैं, क्योंकि उसी वजह से मसाले मिक्स हो पाते हैं हमारे बहुत बढ़िया तरीके से। और इनका ये स्टाइल पूरे उत्तराखंड में फेमस है, जिस तरीके से बनाते हैं चाउमीन, है ना, अरे देखने वाले रुक जाते हैं भाई साहब, लोग कहते हैं भाई साहब क्या कर दिया इन्होंने ये, है कि नहीं? बाद में पता चलता अच्छा चाउमीन बन रही थी, तो वो भी खा लेते हैं फिर। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप। संदीप मैसूरी? संदीप कठायत। संदीप कठायत। अच्छा, ये बताइए कि आपको कितना समय हो गया यहाँ ये खाते हुए? ये साल भर हो गया। साल भर से खा रहे हो, टेस्ट कैसा लगता है? बढ़िया है। और कहीं नहीं जाते आप? नहीं नहीं, यहीं का खाते हैं। मोमो भी तगड़े बनाते हैं। मोमो भी तगड़े बनाते हैं। अच्छा, मोमो भी हमने खाए नहीं, वो भी खाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको इनका स्टाइल कैसा लगता है खड़खड़ाने का? मस्त। हाँ, अच्छा लगता है। इन्होंने कढ़ाई भी तोड़ दी है इसे। अच्छा, कढ़ाई तोड़ दी, कोई नहीं कोई नहीं, क्या यूनिक स्टाइल है तो कुछ भी टूटे क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं? हाँ। देखिए अगर आपको भी खानी है मेहरा जी की चाउमीन, खड़खड़ाहट वाली चाउमीन, कौन सी चाउमीन? खड़खड़ाहट वाली चाउमीन, तो आप आइए यहाँ पर त्रिमूर्ति टेंपल के पास, है ना, त्रिमूर्ति मंदिर है यहाँ पर, ये हिम्मतपुर तल्ला है हमारा, है ना। उत्तराखंड स्ट्रीट फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें इस चैनल को, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे।